हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे एक नई वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है अपलोड। ये सीरीज आपको अमेजन प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। इसमें तकरीबन 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेकर 30 मिनट के बीच में ये सीरीज आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी विद हिंदी सबटाइटल। तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज के कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि इस सीरीज के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको डिटेल में एकदम क्लियर कर पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस सीरीज में हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो इस सीरीज में जो ईयर बताया वो ईयर है 2033। यहाँ पर इंसान बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कार जो कि दिखने में हमारे इंडिया की नैनो कार जितनी छोटी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। मान लो कि वो चलता फिरता रोबोट है, और अगर आपको वो कार ड्राइव करनी तो आप लोग करो, वरना आप उसे वॉइस कमांड के थ्रू भी चला सकते हैं। उसके अलावा 2033 में एक और टेक्नोलॉजी आ गई, वो ये है कि यहाँ पर इंसान खाने नहीं पका रही, यहाँ पर माइक्रोवेव जैसी मशीन है उन लोगों के पास, जो मशीन खाना प्रिंट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल आपने जीरोक्स मशीन देखी होगी, तो जीरोक्स मशीन में प्रिंट होने के लिए कार्ट्रिज का यूज किया जाता है एक अच्छे प्रिंट के लिए। तो वैसे यहाँ पर भी उस माइक्रोवेव में खाना पकाने के लिए कार्ट्रिज की जरूरत है। अब उस कार्ट्रिज को डालो, जो खाना है वो खाना वहाँ पे प्रिंट होके निकल जाएगा और आप लोग आराम से खा सकते हो। उसके अलावा 2033 में एक फर्म है जिसने एक वर्चुअल रियलिटी में कुछ होटल्स बनाए, जिसका नाम है लेक व्यू। अब वहां पर दुनिया के सारे ऐशो आराम आपको मिलेगी, लेकिन वो सारे ऐशो आराम के लिए आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा आपको वहां जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता, वो है मरकर जाना। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका एक्सीडेंट हो गया या किसी वजह से आपको पता है कि आप लोग कुछ ही दिन में मरने वाले हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो हमेशा के लिए मर जाओ जैसे कि नॉर्मल लोग मरते, या तो फिर आपको उस फॉर्म का एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जहां पर आपकी कॉन्शियसनेस को वो लोग अपलोड करते उस वर्चुअल रियलिटी होटल्स में। उसके बाद फायदा ये होता है कि आप लोग अपनी फैमिली या तो फिर आप जिससे भी प्यार करते हो उनसे हमेशा के लिए कनेक्ट हो सकते हो थ्रू VR बॉक्स। अब मैं आपको बता दें इस सीरीज की कहानी शुरू कहां से होती है। तो इस सीरीज के मेन कैरेक्टर नेथन ब्राउन की उम्र 27 ईयर है, उनके पास सब कुछ है, अच्छी फैमिली, अच्छा जॉब है, एक बढ़िया गर्लफ्रेंड भी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद क्या कुछ देखने को मिलता है सब कुछ जानने के लिए हम आपको इस सीरीज ही देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताते हैं कि सीरीज पर्सनली मुझे कैसे लगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज के कॉन्सेप्ट की। तो देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने नेटफ्लिक्स के सीरीज अल्टर्ड कार्बन ऑलरेडी देख चुका, लेकिन यहाँ पर फिर भी दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को देखने में अच्छा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने अपने अंदाज से इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही शानदार बात है। और उसके अलावा ये एक एडल्ट कॉमेडी सीरीज है, तो इस वजह से अगर आपको इंग्लिश समझ में आती तो आपको बीच बीच में हंसी भी बहुत आने वाली है। उसके अलावा इस सीरीज में आपको कुछ न्यूडिटी सीन्स भी देखने को मिलेगी, जो कि मैं आप लोगों को बोलता कि ये सीरीज आप बच्चों के साथ और फैमिली के साथ तो कतई मत देखना। उसके अलावा इस सीरीज के कैरेक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ नेथन ब्राउन ही नहीं, उसके अलावा यहाँ पर और भी आपको 4 कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिसको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, जो कि देखने में आपको अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक साइफाई सीरीज, तो आप लोग ये मत सोचते कि यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े VFX देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। VFX है मगर हल्के फुल्के VFX है, और कुल मिला के देखा जाए तो ये वेब सीरीज इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के एपिसोड आपको अच्छे लगते हैं, बीच के थोड़े बोरिंग लगते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये सीरीज आप लोग देख सकते हैं, आपको ये सीरीज पसंद आएगी। इसलिए इस सीरीज को मैं रेटिंग दूंगा 7/10। अगर आप लोग ने ये सीरीज ऑलरेडी देख चुके तो आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।